हेलो दोस्तों, तो हमारे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज हम आपको चंडीगढ़ में सेक्टर 17 का मार्केट घुमाएंगे। आप लोग को पता होगा कि सेक्टर 17 का मार्केट यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ चंडीगढ़ का सबसे सस्ता मार्केट है, सस्ता, टिकाऊ, असरदार। तो आज हम आपको दिखाएंगे असरदार मार्केट, जो भी सस्ता है, टिकाऊ, वो भी चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ आप लोग को तो पता है कितना कॉस्टली एरिया है, तो अगर कॉस्टली एरिया अगर यहाँ सस्ता, सच में सस्ता है, तो हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे ये भी एनालिसिस करेंगे, सस्ता है या फिर ऐसा अफवाह है, क्योंकि लोग अफवाह भी उड़ाते हैं ना। चंडीगढ़ वो भी इतना कॉस्टली एरिया, और सुनने के थोड़ी से अचंभित लगता है ना कि हाँ भाई सस्ता कैसे हो सकता है वो भी चंडीगढ़ में। तो हम अब आप लोग को आगे की तरफ रुख करते हुए और मार्केट की दर्शन कराएंगे, और वहाँ पे मोल भाव भी करेंगे, ताकि आप लोग को पता भी लगे कि हाँ भाई सेक्टर 17 का मार्केट सच में सस्ता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए और मार्केट के दर्शन कीजिए। अब हम ले चलेंगे कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ। छोले चावल 50 रुपये में है, और यहाँ पे हर चीज़ें मिलेंगे आप लोग को देखने के लिए। ये देखिए, अच्छा, ये है साहब। ओहो, देखिए जूतों का दुकान, 350 रुपये सेल्स। शूज़ की दुकान है इधर, फोन्स हो गए, कोट पैंट हो गए, सॉक्स हो गए। गाइस देखिए कितने अच्छे तरीके से शेरवानी को रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे हर प्रकार की शेरवानी सस्ती, शायद यही है वो जो मार्केट की बात करते हैं, सस्ता टिकाऊ है, तो यही चीज़ है वो। ये थोड़ी मैं बाहरी नज़ारा दिखा दूँ अपने ऑडियंस को सेक्टर 17 के। ये देखिए कबूतर, यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग करने हैं तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, सबसे अच्छा बैठने का व्यवस्था है शायद, ये बैठने के लिए बनाया गया है। अगर शहरों में ना ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिल जाए ना, तो फिर तो क्या ही बात है, अच्छा लगता देखने में, अगर ग्रीनरी रहती है। गाँव में तो होते ही हैं, लेकिन शहरों में क्या है, आजकल पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। गार्डन तो देखने को मिल जाएंगे, घास वगैरह, लेकिन पेड़ नहीं मिलते हैं, पेड़ तो बहुत रेयर केस में मिलते हैं। इतने अच्छे शोरूम में लोग कपड़े रखे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट लगाए हैं, तो अब ये सस्ता तो होगा नहीं, होगा तो महंगा, क्योंकि जब शोरूम में रखा तो बंदा उसके ही भाड़ा वसूलेगा। तो सिर्फ कहने के लिए सस्ता है, सस्ता सुस्ता कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग को मैं दिखा दूँ ऐसे। दाम क्या पूछो, दाम तो पूछने में तो ये है कि भाई यहाँ पर तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ मतलब अगर दाम पूछो तो कुछ लो, नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं आपको मार्केट के अंदर की चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, ताकि हमारे ऑडियंस ये ना कहे ना कि यहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे व्लॉगिंग की होगी और यहाँ की चीज़ों को जो है शो ऑफ भी किया होगा, लेकिन अच्छे तरीके से दिखाया नहीं होगा। तो मैं आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें दिखा दूँ, ताकि हमारे ऑडियंस को ये लगे कि हाँ जो है हमने जो मार्केट का सैर कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि कोई दूसरे का टाइम वेस्ट हो। अगर मैं दिखा रहा हूँ तो सब लोग आप अच्छे से प्यार से चीज़ें देखो, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से व्यू दिखाते चलूँगा, ताकि आप लोग एकदम बोर ना हो और यहाँ का व्यू देखते हुए चलें स्टार्टिंग से। 50% ऑफ है, लेकिन देखने में लग रहा है 50% ऑफ है ना, 50% कुछ नहीं होता। ठीक है, चक्कर में पड़ जाना, आप लोग अंदर जाओगे फिर लगेगा पता 50% ऑफ है। ठीक है, 50% मतलब 10% समझना। या रेमंड है, जो कि एक बहुत तगड़ा ब्रांड है इंडिया का, रेमंड है, मुफ्ती है, तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटे और मझोले रोज़गार करने वाले बेचारे, इनका भी सपोर्ट कीजिए आप। देखते रहिए आप लोग मेरे साथ, बने रहिए ब्लॉग के अंत तक, ताकि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाएँ। ज़्यादा खास तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ताकि हमारे ऑडियंस को भी ये लगे कि सेक्टर 17 का मार्केट हमने देख लिया है। ये यहाँ पे है कंबल ही कंबल, ये रूबी क्रिएशंस, ये देखिए ज्वेलर्स हैं। 50% प्लस 20% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, जिसको भी ब्लैंकेट लेना हो तो हैंडलूम में आइए, हैंड से बना मार्केट है, और यहाँ पर हर चीज़ पर 50% डिस्काउंट है। सर संडे है इसलिए 50% डिस्काउंट लग रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। गाइस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो आपको पता ही है, करना ही करना है, क्योंकि अगर भाई को आगे बढ़ाना है तो आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए। हमारे ऑडियंस हमारे भगवान हैं। तो बच्चों के कपड़े हैं, देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कपड़े हैं यहाँ पर।
दोस्तों जैसे कि आपने सेक्टर 17 का मार्केट देखा, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अगर आप लोग को लगा हो तो बताइए। वैसे तो मैंने जो अच्छी फेमस चीज़ें हैं वो तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है, लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़ें नहीं दिखाया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें छूट गई है, और मैं उसको उस चीज़ को अगले ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस जितना था उतना तो मैंने दिखाई दिया है। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। सेक्टर 17 में बस इतना ही रहा, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।